जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है। वहां पर मैं PDF आदि स्टडी मटेरियल प्रेषित करता रहता हूँ, तो आप जरूर जुड़ जाएं उससे। दोस्तों आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल आमसभा 2022 के आयोजन के लिए किस देश को चुना गया है, आपको बताना है किस देश को चुना गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, भारत को चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको कैसे याद रखना है, एक चीज आप बताना कि हमारे भारत में क्या होता है, किसी की पोल खोलने में हमारा भारत सबसे आगे है, किसी की भी पोल खोल देते हैं, ठीक है। तो इंटरपोल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, भारत में, क्योंकि हमारे भारत में क्या करते हैं, किसी की भी पोल खोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि जो भारत में इंटरपोल आम सभा होगा, इसका आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें भारत समेत कितने देश हैं, 194 सदस्य देश हैं इसके, इंटरपोल के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के 194 सदस्य देश हैं और साल 1949 में भारत इसका सदस्य बना था। 1997 में भारत में इंटरपोल की आम सभा का जो है आयोजन हुआ था और इंटरपोल के महासचिव कौन है, जार्गेन स्टॉक। इंटरपोल का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है और इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के तौर पर 1923 में हुई थी, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और 1949 में भारत इसका सदस्य बना था। इस साल महासभा का समापन शुक्रवार को चिली में हुआ। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है, चिली, जिसकी राजधानी है सेंटियागो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस IPS को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, आपको पता होगा। तो किसे किया गया है, तो वो किया गया है अनूप कुमार को। विकल्प नंबर एक जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अनूप कुमार को नियुक्त किया गया है और ये मेहंदी रत्ता को विधि सचिव बनाया गया है। JPS चावला, इन्हें व्यय विभाग का क्या बनाया गया है, लेखा महानियंत्रक। तो इन सभी को याद रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बारे में, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम जाने तो इसका जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। NSG गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक करता है। महानिदेशक हमेशा एक IPS अधिकारी होता है, जबकि इसमें भर्ती भारत की केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सशस्त्र बलों से की जाती है। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में हुआ था। इसका गठन काय का, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। तो ये तथ्य भी आपको याद हो जाते हैं यहाँ से। अगला हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, यूनिसेफ के मुताबिक 2018 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के सर्वाधिक मामले किस देश में दर्ज हुए हैं। यूनिसेफ से अभी बहुत ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन निकल रहे हैं और 5 साल से कम उम्र की जो मौत के सर्वाधिक मामले निकले हैं वो कहाँ से निकले हैं, वो भारत देश से निकले हैं, तो आपको याद रखना है। अब हम जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में दोस्तों। यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। यूनिसेफ की मुख्यालय कहाँ पर है और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। तो याद रखना है आपको, एम बेनेमन इसके कौन है, अध्यक्ष हैं। यूनिसेफ को 1965 में उसके 72 कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब, 1965 का, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी इसे 1989 में दिया गया। तो यूनेस्को के बारे में इतनी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, स्थापना 1946, न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, ये सारी चीजें हमें यूनेस्को के बारे में पता चल जाती है यहाँ से। नेक्स्ट है, IRCTC द्वारा आरंभ की गई विशेष बुद्ध सर्किट ट्रेन कितने दिनों में भारत और नेपाल में स्थित बौद्ध स्थानों की यात्रा कराएगी। तो ये स्पेशल ट्रेन है और बौद्ध स्थानों की यात्रा कराएगी, कितने दिनों में कराएगी दोस्तों, अब आप बताना। बुद्ध सर्किट ट्रेन 3 3
कितने हो जाते हैं, 6, और 2 मिला के कितने हो जाते हैं, 8, है ना। 8 शब्दों का ऐसे बनकर ये बौद्ध सर्किट बना है, मतलब ये कितने दिन में कराएगी, 8 दिन में कराएगी। तो ये चीज हमें याद रखना है बौद्ध सर्किट ट्रेन के बारे में। IRCTC ने बौद्ध सर्किट स्पेशल ट्रेन के नाम रेल सेवा क्या की है, आरंभ की है, और ये 8 दिन में विभिन्न स्थानों की यात्रा कराएगी, ये आपको याद रखना है। और इनके जो सामान है, कीमती सामान के लिए डिजिटल लॉकर भी की भी सुविधा की गई है इसमें। और इस ट्रेन में 64 लोगों के एक साथ डाइनिंग की व्यवस्था के लिए एक डाइनिंग कार दी गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन नए कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए कोषाध्यक्ष बन गए हैं, कौन बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं, कोई सज्जन सा व्यक्ति होगा जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष बनेगा, तो वो सज्जन जिंदल बने हैं, सज्जन जिंदल। याद रखना है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो कोषाध्यक्ष बने हैं वो सज्जन जिंदल जी बने हैं, है ना। और टाटा स्टील के वर्तमान MD कौन है, TV नरेंद्रन। CEO हैं आर्सेलर मित्तल और आंद्रे जोहान पेटर, आंद्रे जोहान पेटर इसके अध्यक्ष हैं। तो इन सारे के सारे पदाधिकारियों को भी हमें याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश शिखर सम्मेलन उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। तो एक मैग्निफिसेंट जो शिखर सम्मेलन हुआ वो मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया दोस्तों, इंदौर में किया गया, याद रख लेना, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मध्य प्रदेश से संबंधित। तो इस सम्मेलन का उद्घाटन जो किया माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया, और यह सम्मेलन 2 दिन का है। इस सम्मेलन में बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हो रहे हैं, ये चीज भी याद रखनी है। मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश का जो नाम दिया है मध्य प्रदेश, वो पंडित जवाहरलाल प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने दिया है। और मध्य प्रदेश को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है इसे, नदियों का मायका कहा जाता है, सोया प्रदेश और हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इन तथ्यों को हमें ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर, है ना। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थित है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, क्वेश्चन तो कई बार आया है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। और इसके जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। और अभी हाल में जो सरदार सरोवर डैम के पास सरदार पटेल साहब की जो मूर्ति लगाई है, सरदार सरोवर डैम, और ये सरदार सरोवर जो डैम है ये भी नर्मदा नदी पे बना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मध्य प्रदेश से संबंधित इन तथ्यों को याद कर लेना है। हाल ही में पहला रोबोट सेफ रेस्तरा कहाँ खुला है, तो रोबोट की बात होती है दोस्तों, तो रोबोट जो होते हैं वे बंगला में भी घुस जाते हैं, कहाँ घुस जाते हैं, बंगला में। तो ये रोबोट, पहला रोबोट सेफ रेस्तरा कहाँ कहाँ है, ये भुवनेश्वर में खुलेगा, क्योंकि हम बंगला को क्या बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं, बोलते हैं ना भवन, तो ये भवनों में भी पड़ जा घुस जाता है, ठीक है। तो पहला रोबोट सेक रेस्तरा ये भुवनेश्वर में। अब जान लेते हैं भुवनेश्वर या उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों उड़ीसा की स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर में पहला रोबोट सेफ रेस्तरा खुला है, और इस रेस्तरा में भारत में निर्मित 2 रोबोट सर्व करती हैं, चंपा और चमेली, है ना। वन्य जीव अभयारण्य नंदन कानन है दोस्तों, नंदन कानन जो वन्य जीव अभयारण्य अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, यहाँ पर 5 हाथियों की मृत्यु हो गई थी, नंदन कानन, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना है। भीतरकनिका का वन्य जीव अभयारण्य भी यहीं उड़ीसा में है ना। और उड़ीसा को आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी मिला है उड़ीसा को, तो आपको याद रखना है। उड़ीसा में चिल्का झील भी है, सब सभी को पता होगा चिल्का झील, कई बार पूछ गए उड़ीसा में। सूर्य मंदिर भी यहाँ कोणार्क में है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। सुंदरपुरी तट, नंदन कानन, चिल्का झील, उदयगिरी और खंडगिरी की यहाँ प्राचीन गुफाएं हैं, और सबसे लंबा जो हीराकुंड बांध है महानदी पर बना हुआ है, ये हीराकुंड बांध ये भी उड़ीसा में ही पड़ता है। तो इतने सारे के सारे तथ्य हमें क्लियर हो जाते हैं उड़ीसा के बारे में, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार कालिदास कर्मकार, जी हाँ दोस्तों, का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित है। दोस्तों आपने देखा होगा कालिदास, जिनका भी नाम होता है, बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं, विश्वविख्यात होते हैं, हमारे यहाँ भी एक कवि हुए हैं कालिदास जी, और कालिदास जी जो हैं ये प्रसिद्ध हुए हैं। और दोस्तों चित्रकार की यहाँ पर बात हो रही है, चित्रकार, तो आपने देखा होगा कि चित्रकार कई बंगला बनाते हैं, क्या बनाते हैं,
बंगला अंगला आदि का चित्र बनाते हैं। तो ये बांग्लादेश के चित्रकार हैं कालिदास कर्मकार, इनका हाल ही में निधन हो गया। विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा और ये प्रसिद्ध चित्रकार थे और उनका जन्म जो हुआ था 1946 को हुआ, फरीदपुर जिले में हुआ था। ललित कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2016 में शिल्प कला पदक और 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था, है ना। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं और 26 मार्च को प्रत्येक वर्ष यह देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। 1971 में इसे पाकिस्तान से पृथक करके इस देश बना है बांग्लादेश, 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। और आपको पता होगा दोस्तों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देशों में क्रमशः भारत और बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। उनकी कविता है आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का ये राष्ट्रगान है आमार सोनार, और ये जो रचना है वो किसकी है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें बांग्लादेश के बारे में भी यहाँ पर पता चल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतरिक्ष के इतिहास में कितनी महिलाओं ने पहली बार बिना किसी पुरुष साथी के स्पेस वॉक किया है, बिना किसी पुरुष साथी के, तो कौन सा साथी होगा, महिला साथी होंगी, तो महिला साथी होंगी एक के साथ एक साथी, मतलब दो महिलाओं ने, तो इन दो महिलाओं ने किया, मतलब विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सी महिलाओं ने किया है स्पेस वॉक। तो नासा की अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यात्री क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर ने एक साथ स्पेस वॉक कर इतिहास रच दिया दोस्तों। नासा ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ जब केवल महिलाएं ही अंतरिक्ष में चहलकदमी मचा रही हैं, चहलकदमी कर रही थीं, ठीक है। इस दौरान उनके साथ कोई पुरुष अंतरिक्ष यात्री नहीं था और स्पेस वॉक के लिए क्रिस्टीना कोच का यह चौथा जबकि जेसिका मीर का पहला स्पेस वॉक था। मुख्यालय जो नासा का मुख्यालय है दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। अभी आपने देखा होगा नासा से ये तस्वीर आई चंद्रमा की, ऑर्बिटर की ये तस्वीर आई, वो तस्वीर रोज करंट में आप पढ़ते होंगे, न्यूज में पढ़ते होंगे। तो ये नासा जो है ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। तो ये सारे के सारे तथ्य हमें नासा के बारे में भी कुछ पता चल जाते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट सीरीज में 3 शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए, कौन सा क्रिकेटर है वो, तो वो है रोहित शर्मा, ठीक है, ये दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने केरल के साथ जल विवाद को निपटाने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया, दिए दोस्तों ये तमिलनाडु और ये केरल सरकार, जब ये दो हैं तो समितियां भी दो नियुक्त की जाएंगी और जो विवाद है वो भी दो है ना, दो बांधों से संबंधित है, दो परियोजनाओं से संबंधित है। तो तमिलनाडु सरकार ने केरल के साथ जो जल विवाद है उसे निपटाने के लिए दो समितियों का गठन किया, मतलब इसका विकल्प नंबर एक जो है वो इसका सही हो जाएगा। जानते हैं कौन कौन सी समितियों का इसमें गठन किया गया है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने पारम्बिकुलम अलियार परियोजना और पांडियार पुन्नम पुझा परियोजना से संबंधित जल विवादों को निपटाने के लिए दो समितियों का गठन किया है। के मनीवासन राज्य सरकार द्वारा गठित दोनों समितियों का नेतृत्व करेंगे, के मनीवासन। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो झड़प्पादी के पलानी स्वामी है ना, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं, इनको याद रखना है। और आपने भरतनाट्यम खूब सुना होगा, भरतनाट्यम सुना है कि नहीं, सुना है सबने, काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध ये नृत्य है भरतनाट्यम, कहाँ का, तमिलनाडु का, याद रखना। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तो ये सारे के सारे तथ्यों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 का आयोजन किया है। दोस्तों एक चीज बताना, आपने बहुत पढ़ा होगा मैथ में, एक्स का मान वाई का मान ऐसे पढ़े ना, एक्स बराबर ए है तो वाई बराबर क्या होगा, ये सारी की सारी पढ़ी हैं। तो यहाँ पर एक्स आया है, क्या आया है, एक्स, तो एक्स का हम क्या निकालते थे, मान, मान निकालते थे। तो एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो 5 है इसका आयोजन किया जाएगा, किसके साथ किया जाएगा, तो ओमान के साथ किया जाएगा। ओमान एक कंट्री का नाम है, ओमान, याद रखो। तो उत्तर इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ओमान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ओमान के बीच ओमान के वायुसेना बेस
मसीरा में हो रहा है। यह अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी सैन्य संबंधों को मजबूत करेगा। भारत और ओमान की वायुसेना के बीच अंतिम सैन्य अभ्यास ब्रिज फोर 2017 में गुजरात के जामनगर में हुआ था, है ना, 2017 में हुआ था और अभी 2019 में हो रहा है। और जो ओमान है इसकी राजधानी है दोस्तों मस्कट, ये भी याद रखना है। और यहाँ की जो मुद्रा है ओमनी रियाल है, ओमनी रियाल, ओमान की राजधानी मस्कट और ओमनी रियाल यहाँ की मुद्रा है। तो इतने सारे के सारे तथ्य हमें याद चल जाते हैं, पता चल जाते हैं करंट के प्रश्नों के साथ ही, और जो भी ट्रिक निकलती है जहाँ की वो हमने बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो सके। अब आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों कमेंट में कि हाल ही में 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार किस राज्य में पशुधन की संख्या सर्वाधिक है। तो ये चार विकल्प हैं, अभी जनगणना हुई है 20वीं पशुधन जनगणना, है ना, 2012 में 19वीं पशुधन जनगणना हुई थी और ये 20वीं जनगणना हुई है 2019 में। तो आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो इस पशु जनगणना के अनुसार अव्वल है पशुधन की संख्या में। तो ये कमेंट के माध्यम से आपको बताना है, और साथ ही कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप में मैं PDF आदि बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रेषित करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, IS स्टडी ट्रिक सर्च करना है, और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IS स्टडी ट्रिक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।